है बढ़ा चढ़ा करके वीडियो में दिखा रहा है, तो उनका बात कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूँ। चार्जेबल टिकट इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर चार्ज नहीं रखता, अगर मैं फ्री इवेंट कर देता ना, तो भाई लाखों का भीड़ हो जाता। मतलब फैन जोन का जो बैरिकेड था उसको पूरा तोड़ करके सारे फैंस मना चाह रहा था कि मुझे हमारे पंजाब से आए हैं भाई। मैं बोलना चाहूंगा मनोज भाई, ये सारे क्रिएटर बैठे हुए हैं, हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे इवेंट किए हैं, क्या कर सकते हैं आप, हो गया गलती, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। ओके दोस्तों, और मनोज भाई ने कुछ बोला है उसको मैं दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं और इवेंट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो मनोज भाई बोलेंगे। ओके, आइए देखते हैं, आइए आइए, बहुत मजा भी आएगा, आपको भी बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा, और क्या गलत है और क्या सही है आप लोगों को पता चल जाएगा, और मनोज भाई के बारे में जो गलत बोल रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे को नीचे दिखा करके खुद को महान साबित करने की। तो दोस्तों अभी आप लोग देख ही रहे होंगे YouTube पे अभी एक ट्रेंड आ गया है, मनोज दे का इवेंट, डिजिटल स्टार्स इवेंट। मनोज दे के इवेंट में वो हो गया, मनोज दे के इवेंट में ये हो गया, मनोज दे के इवेंट में मार धाड़ हो गया, मनोज दे के इवेंट में बाउंसर ने किसी को मार दिया। तो काफी सारे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको तो भाई ऐसा भर भर के वीडियो अभी YouTube पे दिख रहा होगा, यहाँ तक कि मुझे भी दिख रहा है। तो आप लोग जरूर से वेट कर ही रहे होंगे कि मनोज भाई का आखिर वीडियो कब आएगा। तो मैं बता दूं, मैं आज जाके फ्री हुआ हूं क्योंकि इतने बाहर बाहर से, इतने दूर दूर से क्रिएटर्स आए हुए थे, लाइक न्यूज बॉय जो है आसाम से आया हुआ था, काफी सारे दिल्ली से आए हुए थे, और इंडियन रेलवे का इतना ज्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, फॉग के वजह से सारे ट्रेन डिले चल रहा है, जिस वजह से कल न्यूज बॉय मेरे यहाँ से धनबाद से आसाम घर गया है। तो आज जाके मैं यहाँ पर फ्री हुआ हूँ और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं वीडियो देख तो रहा हूँ, सबका थंबनेल देख रहा हूँ, सबका वीडियो देख रहा हूँ, एंड काफी सारे वीडियो देखने के बाद फाइनली अभी मेरा एक वीडियो आया है, आप लोग ध्यान से देखो सुनो आखिर इवेंट में ऐसा क्या ही हो गया भाई, इतने सारे वीडियोज है, मनोज दे का इवेंट में क्या मारधार हो गया, क्या भगदड़ मच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आखिर हुआ क्या था। जितना बढ़ा चढ़ा करके आप लोगों को थंबनेल एंड वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरे इवेंट में आए थे उन्हें ये चीजें पता है, जितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है उतना कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, जो ऐसे क्रिएटर्स जो वीडियो बना रहे हैं जिनका चैनल एकदम छोटा मोटा है, वो अगर बढ़ा चढ़ा करके थंबनेल में दिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके वीडियो में दिखा रहा है, तो उनका बात कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूँ और इस चीज में मैं सपोर्ट भी करूंगा क्योंकि उनको व्यूज की सख्त जरूरत है। अगर वो बढ़ा चढ़ा करके कुछ लिखता है और उसके वजह से उसका लाख डेढ़ लाख दो लाख उस वीडियो में व्यूज आ जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं अच्छा ही है ना, इनिशियल बूस्ट तो उन्हें मिल रहा है, थोड़ा वो सब्सक्राइबर तो उनका गेन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है जिनको कुछ जानना नहीं है, बैकएंड में सुनना नहीं है क्या हुआ था नहीं हुआ था, वीडियो बना देना है क्योंकि उन्हें चाहिए हाइप, ठीक है, उन्हें चाहिए दूसरों को नीचा दिखा करके अपने आप को महान साबित करना। अब चलिए मैं बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वहाँ पर सुबह से ही जो है वहाँ पर जो है जो सब्सक्राइबर जितने भी फैन हमारे थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, वो पहुंचना शुरू हो गया था सुबह से ही। पहुंचते पहुंचते वहाँ पर अरेंजमेंट सब कुछ सही से हुआ था, यहाँ तक कि मैं बोलना चाहूंगा वीआईपी के लिए जो है सोफा लगाया गया था, गोल्ड जोन के लिए चेयर्स लगाया हुआ था, उसके पीछे फैन जोन था जहाँ पर सबके लिए स्टैंडिंग जोन बनाया गया था, और वहाँ पर एक बैरिकेड लगाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा क्राउड फैन जोन में था, और हमें पता था सबसे ज्यादा क्राउड फैन जोन में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके टिकट का जो प्राइस था वो सबसे ज्यादा कम था। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात करेंगे, टिकट के कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। टिकट का पैसा इसलिए रखा गया था, चार्जेबल टिकट इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर चार्ज नहीं रखता, अगर मैं फ्री इवेंट कर देता ना, तो भाई लाखों का भीड़ हो जाता। मनोज दे के चाहने वाले अभी के टाइम पे इंडिया में बहुत है, मैं ये गर्व के साथ बोलता हूँ, एटीट्यूड के साथ बोलता हूँ, प्राउडली बोलता हूँ, अगर मैं फ्री इवेंट कर दूं ना तो लाखों का भीड़ हो जाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वहाँ पर टिकट का रखा गया था ताकि जो पैसा वाला सिस्टम रहेगा तो कुछ जो है सिस्टमेटिक ढंग से हो पाएगा, क्योंकि मैंने बोला था मेरे जब इवेंट का मैंने जब अनाउंसमेंट किया था तो मैंने बोला था कि वीआईपी गोल्ड फैन इसलिए इस तरह का बनाया गया है ताकि जो है क्या होगा कि बहुत सारे लेडीज वुमेन्स आएगी, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आएंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आएंगे, तो उन्हें एटलीस्ट वो वीआईपी टिकट लेकर के वो सोफे में आराम से बैठ के देख सकता है। अगर मैं सबको बराबर कर देता या फिर फ्री कर देता तो लेडी लोग क्या करती, भीड़ में खड़ी रहती या फिर कहां बुजुर्ग लोग कहां जाते। इसलिए उसमें प्राइस वाला सिस्टम रखा गया था ताकि सब सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए, सब अपने जगह में आराम से बैठ पाए और आराम से इवेंट में एंजॉय कर पाए। बट यहां पर हुआ क्या पता है, फिर बात वहीं पे आ जाता है कि मनोज दे का जो है क्रेजी फैंस, भाई इतना पागल टाइप के आप लोग हो, मतलब फैन जोन का जो बैरिकेड था उसको पूरा तोड़ करके सारे फैंस मना चाह रहा था कि मुझे सामने से देखना है, क्योंकि भाई वीडियो में तो मुझे डेली देखते हो, अभी भी देख रहे हो, अब जो आए थे उन्हें मुझे सामने से देखना था। कुछ तो ऐसे फैंस थे इतना रो रहा था कि मुझे भैया मुझे स्टेज में चढ़ा दो, ठीक है, आपके साथ गले लगाना है, आपके साथ फोटो लेना है। तो इसलिए वहां पर बैरिकेड टूटा, सबसे बड़ा गलती यही था।
पूरे इवेंट में अगर गलती देखा जाए तो यही था, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। बैरिकेड टूट गया, फैन जोन वाला क्या किया, जितना क्राउड था सब आ गया फ्रंट में एकदम स्टेज, क्योंकि उन्हें सामने से देखना था। अब जब वो फ्रंट में आ गया तो वीआईपी और गोल्ड वाला को हो गया प्रॉब्लम। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, बस इतना ही चीज हुआ है इवेंट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब एक चीज और मैं देख रहा हूँ, क्लिप वायरल हो रहा है कि मेरा एक बाउंसर ने जो है किसी सब्सक्राइबर को मार दिया। भाई मारा नहीं है, जाकर के वीडियो देख लो अच्छा से, आपको जानना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ नहीं है, वीडियो में कुछ भी बता दो, अब वीडियो जाकर के देख लो। मारा नहीं गया था, हुआ एक्चुअली ये था कि वहां पर जो है जो स्मोक वाला जो निकलता है ना, तो वहां पर एक मशीन रखा हुआ था और स्टेज के एकदम करीब में था, तो पूरा भीड़ जो स्टेज में नजदीक में आकर के सट जा रहा था। तो क्या हुआ ना, वो जो मशीन था जो म्यूजिक वाला जिसमें स्मोक निकलता है, वो मशीन गिर गया। तो गिर गया तो मेरे बाउंसर ने बोला कि वो सबको साइड करने लगे कि आप लोग थोड़ा सा दूर में रहो, दूर में रहो, मशीन वशीन टूट जाएगा, गिर जाएगा। इसी बीच में एक सब्सक्राइबर ने शायद से थोड़ा बहुत गाली गलौज कर दिया था, नहीं मुझे ये नहीं पता। तो क्या क्या मेरे बाउंसर ने उसको धक्का देकर के साइड कर रहा था, मारा नहीं है भाई, झापड़ नहीं लगा दिया है। वहां पर वीडियो में जो आप बोल दे रहे हो कि मार दिया ये कर दिया, उस सब्सक्राइबर से मेरे साथ अच्छे से बात होता है। उस सब्सक्राइबर को मैंने अपनी स्टेज में मैंने बुलाया था, उनको मैंने कितने तहे दिल से यहाँ पर बोला कि भाई धन्यवाद आप इतने दूर से आए हो, मैंने सॉरी बोला, उनका पैर छू करके मैंने सॉरी बोल दिया। उनको जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर लोगों को क्यों प्रॉब्लम है। वो बंदा इतना रो रहा था मेरे से मिलने के लिए रो रहा था वो, तो उनको मैंने स्टेज में बुलाया, वहीं पर मैटर पूरा सॉल्व हो गया। अब आप लोग वीडियो में बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हो, छोटे क्रिएटर जो दिखा रहे हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोगों का वीडियो में व्यूज आ रहा है, और मैंने देखा काफी सारे वीडियो है जिसमें मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, लाख डेढ़ लाख दो लाख 50,000 40,000 ऐसे ऐसे व्यूज है। जिनका 200 सब्सक्राइबर था उनका 2,000 सब्सक्राइबर हो गया, जिनका 100 सब्सक्राइबर था उनका 1,000 सब्सक्राइबर हो गया। तो भाई कुछ तो भला हुआ, कुछ लोगों का तो भला हुआ। इवेंट करने का मेन रीजन भी दोस्तों मेरा यही रहता है कि कुछ लोग आएंगे, इवेंट्स का ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, वो वायरल होगा, इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा, कुछ सब्सक्राइबर बेस मिल जाएगा, फिर वो चाहे तो अपने कंटेंट के दम से वो आगे बढ़ सकता, क्योंकि मैं एक एक करके सबको प्रमोशन नहीं कर सकता। तो काफी लोगों का वीडियो वायरल हुआ इवेंट वाला, तो वायरल हुआ तो कुछ तो भला हुआ कुछ लोगों का, मेरा इसमें कुछ भला नहीं हुआ। मैं यहाँ पर करोड़ रुपया छाप करके नहीं बैठ गया, और मैं कोई कोर्स बेच करके पैसा छापता हूँ यहाँ पर। मेरा मैं बताना चाहूंगा 20% भी मेरा पैसा नहीं आया था जितना इवेंट में मेरा खर्चा हुआ है। तो मैं क्या यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैं आपको नहीं दिखा सकता मेरा कितना खर्चा हुआ और कितना का टिकट बिका नहीं बिका। बस इतना जान लो, अगर मेरे पे भरोसा है कि 20% जो होता है वो पैसा मेरे पास आया था, 80% मैंने खुद से खर्च किए हैं पूरे इवेंट में, और इवेंट में खर्च बहुत हुआ है। आप लोग ऐसा मत सोच रहे कि सिर्फ स्टेज में खर्च हुआ, नहीं, उसके बैकएंड में देखो कितना खर्च होता है, सबका ट्रेवलिंग आना जाना, 3 दिन सारे क्रिएटर्स को रखना, सब आसाम दिल्ली वर्क, सबका फ्लाइट टिकट, ठीक है, होर्डिंग छपवाना, टिकट्स छपवाना, सारा अरेंजमेंट करना, बॉडीगार्ड्स को देना, सिक्योरिटीज को देना, सब में पैसा लगता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो पैसा मैं बता दूं कि 20% आया था, 80% खर्च हमने खुद से किया है इवेंट में। पैसा कमाना मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद था मेरे झारखंड में ऐसा कभी इवेंट होता नहीं था, मेरा मेन मकसद था कि झारखंड में एक ऐसा इवेंट करो। इंसान सीखता है, ये मेरा पहला ऐसा इवेंट था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम करवाया, अब सेकंड सीजन हम लोग करेंगे, हेलो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और मनोज भाई क्या बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं, आपको तो बता दिया मनोज भाई ने, और वीडियो आप सभी को पता चल गया मेरे दोस्तों। और प्लीज मनोज भाई को पहले जैसा सपोर्ट कीजिए, ओके, और उनके साथ साथ रहना है, और मनोज भाई हमारा भी हमको ये मदद करेंगे, ओके दोस्तों। और मैं बकरी चराते हुए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, और ये एक गड्ढा में और एक गड्ढा है, उस गड्ढा में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। खुद देखिए, देखिए इस तरफ देखिए दोस्तों, देखिए ना, खुद देखिए पीछे एक गड्ढा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बैठते हुए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए ना इस गरीब को, एक बार आप सपोर्ट करके देखिए, मैं भी आपका मदद जरूर करूँगा दोस्तों, और आपका चैनल का प्रमोट भी करूँगा। प्लीज 1,000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज दोस्तों। हो सकता है मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आता दोस्तों, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे बकरी और बैल उस तरफ भाग चुके हैं, और मैं उनको लौटा के लाऊंगा दोस्तों, और आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ मेरे दिल की घंटी को दबा लीजिए, जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपकी भी दिल की घंटी बजे, और मिलते हैं और किसी न्यू एंटरटेनमेंट, न्यू मोटिवेशन, न्यू तगड़ा ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।